काफी सारी इंक्वायरीज हमें आती हैं डेली, जिसमें आप लोग पूछते हैं कि हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्लेम कैसे लें और किसको अप्रोच करें, एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है, कहाँ बात करनी है, किससे बात करनी है. तो उसी के बेनिफिट के लिए आई थॉट कि मैं एक वीडियो बनाऊं, आप सब लोगों की हेल्प हो पाए और आपको एक जगह पूरा सर डॉक्यूमेंट हो पाए क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए, पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी. सो जो लोग नए हैं चैनल पे उनके लिए, माई नेम इज गुरलीन कौर टिक्कू एंड आई एम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ लास्ट 15 ईयर्स से एसोसिएटेड हूँ एंड हर वीक आपके लिए वीडियोज लेकर आती हूँ जिसमें कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ एक बेटर और अच्छी फाइनेंशियल लाइफ बन पाए. और हमारी टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस. सो दो तरह के क्लेम प्रोसेसेस हैं, वन इज कैशलेस एंड वन इज रीइंबर्समेंट. सो कैशलेस, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि कैश नहीं देनी है, कैशलेस है. तो क्या होता है, जिस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से आपने पॉलिसी कराई है उनके काफी सारे हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप होते हैं. आप जैसे पॉलिसी लेते हैं तो वहां पे आपको दिखता है 5000 हॉस्पिटल्स, 4000, 7000, इतने सारे हॉस्पिटल्स उनकी नेटवर्क लिस्ट पे हैं कि अगर आप उन हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आपको कैश नहीं देना पड़ेगा, उनके साथ टाई अप है. प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है, प्रेफर कीजिए कि आप कैशलेस ही कराएं ट्रीटमेंट, सो दैट आपको रीइंबर्समेंट ना करवाना पड़े. मतलब रीइंबर्समेंट मतलब खुद पे करके फिर आप बाद में इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करें. तो कोशिश यही कीजिए कि आप नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट चेक कर सकते हैं जो आपके विसिनिटी में है और जहां पे आपके डॉक्टर ट्रीट करते हो, तो वहीं पे आप ट्रीटमेंट कराएं. तो वहां पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे. डॉक्यूमेंट्स में मेनली आपकी पॉलिसी, जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, और आपके कार्ड्स होते हैं, हेल्थ कार्ड्स होते हैं. दूसरा मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि काफी बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल जाके हमें कॉल्स आते हैं कि मेरे पास पॉलिसी नहीं है, इमरजेंसी में आना पड़ गया और पॉलिसी नहीं है, तो व्हाट डू आई डू. सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आपके पास पॉलिसी एक तो एक इमरजेंसी बैग में होनी चाहिए, जो पूरे सारे फैमिली मेंबर्स को पता होनी चाहिए कि ये आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और वो उसको एक्सेस कर सकते हैं जब कोई इमरजेंसी हो. दूसरा, सब कंपनीज ने आजकल ऑनलाइन आपको एप्लीकेशंस हैं, मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज दे हैव देयर एप्लीकेशंस. तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कीजिए और वहां पे आपकी पूरी पॉलिसी की डिटेल्स आ जाएंगी, पॉलिसी कब से ली हुई है आपने, कितने टाइम से है, पॉलिसी के कार्ड्स, पॉलिसी के बेनिफिट्स, कितना कवरेज एंड एवरीथिंग विल बी देयर ऑन द एप्लीकेशन. तो फोन तो आप हमेशा अपने पास रखेंगे, तो इट्स बेटर कि आपके फोन में सारी डिटेल हो और आप वहीं पे इजीली हॉस्पिटल के साथ शेयर कर सकते हैं. हर हॉस्पिटल में एक टीपीए डेस्क होता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर डेस्क, जो कोऑर्डिनेट करता है इंश्योरेंस कंपनी से आपके क्लेम के लिए, कैशलेस क्लेम के लिए. तो वो आपसे डिटेल्स भर लेते हैं और फॉर्म फिल कराते हैं. वो जो पेशेंट है उनकी आईडी प्रूफ मांगेंगे, आपसे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मांगेंगे और आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी मांगेंगे और किस चीज के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो डॉक्टर सब लिख के देता है. टीपीए डेस्क विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद इंश्योरेंस कंपनी, वो इंश्योरेंस कंपनी से कोऑर्डिनेट करेंगे, उनको मेल करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स एंड देन इंश्योरेंस कंपनी वहां से इनिशियल अप्रूवल देती है, फर्स्ट टाइम अप्रूवल कि आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए. फिर क्योंकि क्या होता है, इनिशियली जब हॉस्पिटल वाले भी इंश्योरेंस कंपनी को भेजते हैं तो वो एस्टिमेशन भेजते हैं कि एस्टिमेटेड है कि पेशेंट हमारे साथ 5 दिन रहेंगे या 10 दिन रहेंगे और एस्टिमेटेड है कि इतना एक्सपेंस आएगा, वो एग्जैक्ट नहीं होता. तो इनिशियल अप्रूवल कुछ परसेंटेज इंश्योरेंस कंपनी करके भेजती है कि आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, ये हमने अप्रूव कर दिया है. फाइनल अप्रूवल होता है जब डिस्चार्ज होने लगे हो, तो डिस्चार्ज के टाइम पे पूरी डिस्चार्ज समरी, सारे बिल्स, एवरीथिंग इज सबमिटेड टू द इंश्योरेंस कंपनी बाय टीपीए डेस्क. टीपीए डेस्क सब कुछ इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हैं एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज और उस टाइम फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको पूरा एनालाइज करती है और उसके बाद फाइनल अप्रूवल देती है. तो हर एक कंपनी के अलग अलग टर्न अराउंड टाइम्स हैं. सो कई कंपनी मिनिमम 30 मिनट्स में और मैक्सिमम 4 आवर्स में रिवर्ट दे देती हैं जैसे ही डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल से इंश्योरेंस कंपनी पे जाते हैं, वहां से काउंट होता है ये 4 आवर्स का टर्न अराउंड टाइम. तो 4 घंटे में मोस्टली जवाब आ जाता है. कुछ पेंडिंग होता है तो इंश्योरेंस कंपनी दोबारा मांगती है कि ये डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है या इस पर क्लैरिफिकेशन दो, वो क्लैरिफिकेशन जाती है और क्लेम सेटल हो जाता है. हो सकता है आपको कुछ पे करना पड़े डिस्चार्ज के टाइम पे, कुछ नॉन पेएबल आइटम्स होती हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसीज में कवर नहीं होती हैं, तो वो नॉन पेएबल आइटम्स के चार्ज वो पेशेंट से लेंगे, वो पे करके एंड देन यू आर फ्री टू गो. सो ये कैशलेस का प्रोसेस है. तो इसमें आपने देखा कि आपका कोई मेजर रोल नहीं है, आपने पॉलिसी दे दी, वो हॉस्पिटल का काम है और इंश्योरेंस कंपनी का काम है, आपका काम खत्म हो जाता है. तो इसलिए मैंने बोला प्रेफर कीजिए कि ऐसी जगह पे आप ट्रीटमेंट कराएं जो उनके नेटवर्क लिस्ट में हो, जिनके साथ उनका टाई अप हो, जो उनके पैनल पे हो. एक और वे भी होता है क्लेम कराने का कि आप प्री ऑथराइजेशन लेके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं. तो प्री ऑथराइजेशन होता है कि आपको पता है ये प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है, मुझे इस चीज की सर्जरी करानी है या ट्रीटमेंट कराना, आपको पहले से ही पता है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे. एक्स वाई जी हॉस्पिटल में आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर आपको आप पॉलिसी देंगे अपना, उस हॉस्पिटल में अपनी पॉलिसी देंगे, वो डॉक्टर लिख के देंगे और वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा कि मुझे ये ट्रीटमेंट इस पेशेंट का करना है, तो इतना क्लेम आप अप्रूव कर दीजिए. तो वो प्री ऑथराइजेशन पहले ही आपके पास अप्रूव होकर आ जाएगा, सो दैट आपको तब भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है ऑथराइजेशन के लिए. तो इसकी वैलिडिटी होती है मोस्टली 10 डेज होती है, 7 to 10 days डिपेंडिंग हर डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज में. तो 7 से 10 दिन के अंदर आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो आप पहले भी ये लेके रख सकते हैं प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल
कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड जो मेजर जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम आती है वो है रीइंबर्समेंट क्लेम। रीइंबर्समेंट क्लेम में रीइंबर्समेंट का मतलब है कि पहले आप पे करेंगे अगर वो नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट में नहीं है, या आप प्रेफर कर रहे हैं पे करना, आप पे करेंगे, फिर सारे बिल्स आप कलेक्ट करेंगे और फिर आप इंश्योरेंस कंपनीज में डालेंगे। तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं? पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ओरिजिनल सब कुछ आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल बिल्स, ओरिजिनल रिसीट्स, आपके ओरिजिनल जो आपने मेडिकल टेस्ट कराए हैं, रिपोर्ट्स, सब कुछ आपके पास ओरिजिनल में होना चाहिए, डुप्लीकेट में नहीं। नहीं तो क्वेश्चन रेज हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी की साइड से, क्योंकि डुप्लीकेट होगा या फोटोकॉपी होगी तो वो ये भी मान सकते हैं कि शायद आपने कहीं और से क्लेम ले लिया है इसीलिए आपके पास कॉपी है। तो ओरिजिनल पूरी फाइल मेंटेन करके रखें जब तक आपका क्लेम सेटल ना हो। रीइंबर्समेंट में एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में गए और वो नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं है, तो इट इज बेटर दैट यू इन्फॉर्म द इंश्योरेंस कंपनी कि हम एडमिट हुए हैं और विद इन 24 आवर्स आपको इंटीमेशन देनी होती है। नहीं भी देंगे तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका क्लेम सेटल नहीं होगा, बट इंटीमेशन दे दें तो बेटर है फ्यूचर के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स जो आप कलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में मेनली आपका है सारे बिल्स ओरिजिनल, ऑल रिसीट्स ओरिजिनल, ऑल मेडिकल रिपोर्ट्स जितनी भी हैं ये सब देंगे। तो मेनली रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, आप क्लेम फॉर्म फिल करते हैं रीइंबर्समेंट के लिए, तो दो तरीके होते हैं रीइंबर्समेंट के। काफी कंपनीज जो आजकल हैं बिकॉज दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, ऑनलाइन काम कर रही है, तो डिजिटल वे से भी आप अपना क्लेम लॉग इन कर सकते हैं, उनकी एप्लीकेशन पे जाके, उनकी वेबसाइट पे जाके लॉग इन योर क्लेम हेयर, फाइल योर क्लेम हेयर करके लिंक होता है, वहां पे हर इंश्योरेंस कंपनी के आपको मिलेंगे। कुछ मेजर लिंक्स मैं नीचे डाल दूंगी, जो जो कंपनीज मुझे पता है और जिनके प्रोसेसेस मुझे पता है वो मैं लिंक्स आपकी कन्वीनियंस के लिए नीचे डाल दूंगी, सो दैट आप उसको क्लिक करके अगर आपका कोई क्लेम है तो वहां पे उस लिंक पे जाके आप क्लेम फाइल कर सकते हैं। कुछ हेल्प चाहिए होगा तो प्लीज बताइएगा। उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स मेनली वो क्या मांगेंगे, मांगेंगे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स एंड मांग सकते हैं अगर क्लेम अमाउंट बड़ा है आधार की कॉपी और कैंसिल चेक, बिकॉज उन्होंने आपको पेमेंट करनी है तो कैंसिल चेक विद प्री प्रिंटेड नेम। नेम अगर प्री प्रिंटेड नहीं है तो बैंक की स्टेटमेंट आप साथ में लगा सकते हैं जहां पे सारा आपका आईएफएससी कोड, आपका नेम, अकाउंट नंबर, एमआईसी और सब क्लियरली विजिबल हो। और उसके अलावा जितने भी आपके फॉर्म में आपने डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट होती है, पूरी चेकलिस्ट में आपके होता है कि आपने बिल्स लगा दिए, उनकी रिसीट भी इंपॉर्टेंट है, मतलब बिल तो आपने हॉस्पिटल से लिए बट उनको आपने पे करा तो उसका प्रूफ भी चाहिए उनको, तो रिसीट भी इंपॉर्टेंट है। सारी मेडिकल रिपोर्ट्स, जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हुई, डायग्नोस्टिक टेस्ट हुए, वो सब आप लगा के फाइल करेंगे। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का भी आप क्लेम करें, मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले अगर आप कोई ट्रीटमेंट पे थे जिसकी वजह से आप हॉस्पिटलाइज हुए, तो वो भी आप प्री हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद भी आप कुछ होम केयर पे थे, कुछ ट्रीटमेंट ले रहे थे, मेडिसिन ले रहे थे, कंसल्टेशन कर रहे थे डॉक्टर के साथ, तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बिल भी आप साथ में लगा सकते हैं और वो भी आपको मिल जाएगा, मतलब एक ही बार आप पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। तो प्री एंड पोस्ट की लिमिट हर पॉलिसीज में अलग अलग होती है, वो आप देख सकते हैं आपकी पॉलिसी में क्या है। तो रीइंबर्समेंट में अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो आई डोंट थिंक सो, अगर क्लेम पेएबल है, एडमिसिबल है, तो क्लेम में कहीं इश्यू नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि सब डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे करके एक ही बार फाइल करें। दूसरा प्रोसेस जो पहले फॉलो होता था, बहुत सारी कंपनीज अभी भी ऑफलाइन ही करती हैं, तो वो क्लेम फॉर्म फिल करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल उनको देने होते हैं और वो सारे उनके पास जाते हैं। अगर आपको ओरिजिनल फ्यूचर में चाहिए तो आप रिक्वेस्ट करके वापस ले सकते हैं आफ्टर द क्लेम। वो सबमिट होते हैं, आप उनसे एक्नॉलेजमेंट ले लीजिए, तो इसका टर्न अराउंड टाइम होता है यूजुअली 21-30 वर्किंग डेज होता है, हर एक कंपनी का अलग अलग है, स्टैंडर्ड जो है वो 21-30 वर्किंग डेज। अगर कुछ पेंडिंग होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको बताएगी कि ये पेंडिंग है, आप दे दीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है या ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो प्लीज प्रोवाइड, तो आप उसको प्रोवाइड करेंगे तो फिर वहीं से टर्न अराउंड टाइम शुरू हो जाता है 21-30 डेज। सो ये था क्लेम का प्रोसेस। आई होप काफी चीजें क्लैरिफाई हुई होंगी, काफी सिंपल है, मुश्किल नहीं है, जस्ट दैट आपको सिंगल टाइम में सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं क्लेम्स के लिए, सो दैट आपको इनकन्वीनियंस ना हो और बार बार क्वेरीज ना लगे क्लेम के ऊपर, तो वो मेक श्योर कीजिएगा कि चेकलिस्ट के हिसाब से सब चेक कर करके आप डॉक्यूमेंट्स एक ही बार अपलोड करें। कुछ हेल्प चाहिए तो मैं और मेरी टीम आपके लिए है, हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी नीचे है। कुछ भी क्वेश्चंस हो क्लेम्स के रिगार्डिंग या कुछ भी क्वेश्चंस आप जनरली पूछना चाहें तो प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं कोशिश करूंगी पूरा पूरा उनको आंसर करने की। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।